हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है सीआरओ है, मींस जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम बाय सीआरओ एंड फंक्शन जनरेटर। क्लियर? ये आपका जो इक्विपमेंट आप देख रहे हो ये है सीआरओ, मींस होता है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। क्लियर? इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको ध्यान रखनी है 30 MHz है और जो वेंडर है वो है आपका साइंटिफिक। क्लियर? बाकी के ये जो आपके सीआरओ में जो चैनल्स होते हैं, 2 चैनल्स यूज होते हैं, एक्स चैनल होगा, बाई चैनल होगा। जो एक्स चैनल है अभी हमारा फंक्शन जनरेटर से कनेक्ट है, देखिए ये आपको फंक्शन जनरेटर है, 3 MHz इसकी फ्रीक्वेंसी है। फंक्शन जनरेटर का मींस होता है कोई भी हम यहां से फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सीआरओ पर यहां पर रिप्रेजेंट होगा। कोई भी हमने साइन दिया फंक्शन तो यहां पर सीआरओ पर वो रिप्रेजेंट हुआ। यहां से ट्रेंगुलर वेव हो गई, स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट डीसी मीन्स स्ट्रेट लाइन, फ्रीक्वेंसी 0। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये आपकी सीआरओ प्रॉब होती है जो सीआरओ के इनपुट से, ठीक है, सीआरओ का इनपुट फंक्शन जनरेटर के आउटपुट से हमने कनेक्ट कर दिया है, तभी तो हमें वेवफॉर्म मिल रही है। क्लियर? ये आपका देखिए सीआरओ है, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन ये है। बाई पॉस मींस होता है बाई पोजीशन है, एक्स मींस होता है एक्स पोजीशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये आपकी वोल्टेज पर डिवीजन नॉब होती है, देन ये आपका टाइम पर डिवीजन नॉब होती है, मींस टाइम और फ्रीक्वेंसी के केस में इस नॉब को यूज करना है, देन वोल्टेज और एम्पलीट्यूड के केस में इस वाली नॉब को यूज करना है। क्लियर? ये जो आपकी वेवफॉर्म देखिए यहां पर दिख रही है, ये आपकी वेवफॉर्म है। यहां पर हमें वैल्यू क्या क्या फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एम्पलीट्यूड। क्लियर? अब ये देखिए थोड़ा सा आप यहां सेट कर लीजिए इसको। अभी वोल्टेज डिवीजन नॉब हमारी यहां पर 0.1 पर सिलेक्ट है, तो जो लीस्ट काउंट आपको निकालना है 1/0.1। क्लियर? अब ये देखिए ये आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसकी वैल्यू जो होगी आपकी जो ब्लू वाली नॉब जहां पर सिलेक्ट है वो होगी 0.1 होगी। क्लियर? तो 0.1 अब यहां से देखिए इनिशियल टू फाइनल हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, यहां से वोल्टेज है इनिशियल टू फाइनल, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां फिनिश हो रहा है, तो 0.1 और लीस्ट काउंट आपके जो सब सेगमेंट्स हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/0.1, मींस 0.1 इनटू ये आपकी लीस्ट काउंट की वैल्यू निकालेंगे इनटू 0.1 हो जाएगा। मींस अगर वन बॉक्स की वैल्यू आपकी 1 वोल्ट है तो वो सॉरी 1 वोल्ट है तो लीस्ट काउंट कितना हो गया 1/1, मींस 1 ही आ जाएगा। तो जो टोटल वैल्यू निकालोगे इनटू आपकी वोल्टेज पर डिवीजन नॉब की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपको इस वेवफॉर्म को 0 ओरिजिन पर सिलेक्ट करना है। क्लियर? क्योंकि टाइम हमारा जो होगा वो क्या होगा एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल लेंगे। टाइम क्या होता है नंबर ऑफ साइकिल, मींस इसका जो इस साइकिल का मिरर इमेज कहां फिनिश हो रहा है वहां पर हमें फिनिश करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए टाइम डिवीजन नॉब है आपकी यहां पर देख रही है राइट हैंड साइड में, तो टाइम डिवीजन नॉब में ब्लू वाली नॉब कहां पर सिलेक्ट है 1/2, मींस जो आपकी लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। क्लियर? तो एक बॉक्स की वैल्यू जो आपकी है 2 पर सिलेक्ट, तो एक बॉक्स की वैल्यू 2 के बराबर होगी, यहां से स्टार्ट हो रहा है 1/2 है ना, 1/2 मींस 4 आ जाएगा आपका माइक्रोसेकंड। ये नॉब कहां पर है माइक्रोसेकंड पर है, 4 मिलीसेकंड आ गया, तो फ्रीक्वेंसी आपको निकाल लेंगे f=1/T से। क्लियर? अब ये देखिए ये यहां पर आपको इनिशियल टू फाइनल स्टेट या आपका जो होता है वी पीक टू पीक होता है, ध्यान रखना जो इनिशियल टू फाइनल स्टेट आपको निकालने हैं पूरा टोटल वी पीक टू पीक होगा, और एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होती है जो वी पीक टू पीक आया उसका हम हाफ कर देंगे। सपोज आपकी वैल्यू आई वी पीक टू पीक की 12 वोल्ट, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका हाफ, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है आपका ये एम्पलीट्यूड होता है यहां से लेके इस नॉब तक होता है, ये टोटल जो इनिशियल टू फाइनल स्टेट होती है वोल्टेज पीक टू पीक बोलते हैं, आगे आप थ्योरी में पढ़ोगे, और ये जो वैल्यू होती है यहां से यहां तक हाफ जो होता है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड की यूनिट मीटर, वोल्टेज की वोल्ट्स होती है। टाइम आपको लेना क्या है इसके अकॉर्डिंग लेना है माइक्रो सेकंड ले लो। क्लियर? और फ्रीक्वेंसी आपकी जो दिख रही है वो आपकी है यहां से किलो हर्ट्ज है। क्लियर? ये आपका होता है सीआरओ का वर्किंग होती है। नेक्स्ट आपका ये हो गया फंक्शन जनरेटर, डिफरेंट वेवफॉर्म्स है, डिफरेंट फंक्शन है, साइन हो गया, उसके बाद ट्रेंगुलर आ गया, स्क्वायर आ गया, और उसके बाद डीसी लाइन मींस फ्रीक्वेंसी 0 है। जो हमें वेवफॉर्म रिप्रेजेंट करनी है वो आपको हमें साइन वेव पर ही रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि उस पर क्लियरली सब कुछ क्लियरली रिप्रेजेंट हो जाएगा।